ये गुलदस्ता कह सकते हैं, अलग अलग फूल हैं और एक बहुत अच्छा सा गुलदस्ता बना है और आई एम श्योर, और इसकी लिटरली इसकी बातें पूरे शहर में हो रही हैं। मेरी जब परफॉर्मेंस होने आज होने वाली है, मेरे जो मेरी सोसाइटी में इसके पासेस मांगे जा रहे थे, मैंने मैसेज किया था आपको कि मुझे पासेस चाहिए, और मुझे मेरे फ्रेंड्स आज मेरे कहीं ना कहीं 6 से 7 लोग आए हुए हैं, सब बैठे हुए नीचे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि रहमतें सबके घर पे जा रहा है, सबको पता चल रहा है कि रहमतें क्या है। सो ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट आई थिंक। ओनली वन थिंग, हमारा भी रहमतें का एक परिवार बन गया है। यू नो आई मीन आई कांट डू ऑल दिस एट ऑल इफ यू रियली आस्क मी, इफ इट इज नॉट फॉर हिम हाउ डू आई डू दिस शो, टेल मी। एंड हियर इज अ मैन हु इज गिविंग मी फुल हार्टेड सपोर्ट। ही इज वन फोन कॉल अवे एंड आई टेल हिम यू नो अंकित जी ये करना है। मुझे याद है जब सरोज ने फोन किया था कि ऐसा ऐसा है, रहमतें हो रहा है इस बार, और ऐसा है वैसा, हम लोग और इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो मुझे कौन कौन कर रहा है परफॉर्म, तुम शान परफॉर्म, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा ओके डन। तो हमारा रिश्ता थोड़ा सा यू नो अलग सा। संतोष आनंद जी को दे रहे हैं क्लास, बताइए यस। कंक्लूजन यही है कि मतलब मेरी दिल से ये विश है, मेरे दिल से ये मनोकामना कह सकते हैं कि ये रहमतें और आमद होती रहे इस पर, और क्या बात बड़े स्केल पे हो, और यू नो और लोग आएँ और लोग जुटें इसमें। हमारी इंडस्ट्री सब कोर्स कर रही है, हम सब सौरभ जी के साथ हैं। दैट इज़ द वन बिग रीजन दैट हम सब रहमतें से हमेशा हमेशा जुड़ते रहते हैं। ईच वन ऑन आर ओन हम चैरिटी शोज़ या उस तरह की यू नो ऑनररी काम तो करते ही रहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जहां हमारे अपने कम्युनिटी के लिए, अपने फ्रेटर्नी के लिए हम कुछ कर सकें। और ये एक ऑनर है उनके लिए, ट्रिब्यूट है उनके मेहनत, उनके काम, उनकी हुनर के नाम। और आई थिंक हर कलाकार को मोर देन एनीथिंग एल्स एक रिकग्निशन मिलना, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जैसे जैसे आपका काम धीरे धीरे कम होता रहता है, लोग कहीं ना कहीं एक गुमनामी में चले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी उस गोल्डन एरा को फिर से रिविज़िट करके, उसके बारे में कुछ बातें करके, उन्हें फिर से लोगों के सामने बुलाकर एक ऑनर करना। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड जेस्ट, अ वेरी गुड थाट। तो हम सब उसलिए इस चीज़ से जुड़ जाते हैं। जी 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 बिल्कुल। जैसे सर है जी जी जी, पूरा उनका जो मांगनियर जो इस तरह से उनका जलसा होता है तो मैंने देखा ही था, लेकिन इस बार ये जो फ्यूजन करने वाले हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इन्हीं के ग्रुप के जो जस्सू हैं वो एक शो में मेरे मैं उनका तरह से मेंटर तो नहीं कह सकता, लेकिन जज रहा था, जहाँ जस्सू से तब से लगाव है और हर दूसरे दिन हमारी बातें होते रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर से मिलना, सारे ग्रुप से मिलना, और जिस तरह से आप वो अपने स्टाइल में सारे अलग अलग गानों को अपने ढांचे में ले आते हैं, तो क्या कहने। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, नॉट जस्ट अरविंद जोगी टू लिसन टू अंकित, सेकंड टाइम सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा मज़ा आता है, स्पेशली जब वो पहला नोट लगाकर कहाँ से इतनी लंबी सांस पकड़ के रख। आज इस बात की करोगे सर, पता नहीं। एंड ऑफकोर्स हम दोनों में एक कॉमन बात यह है कि हम दोनों का फेवरेट गाना ललित जी का ही बनाया हुआ है चांद सिफारिश, तो इस बार हम दोनों मिलकर गाएंगे इस गाने को। एंड ऐसे बहुत से गाने होते हैं जो पसंद होते हैं, ऑफकोर्स हर गाना सिंगर हर गाना नहीं गाता है, लेकिन एक स्टेज ऐसा जगह होती है जहाँ पे आप कुछ भी गा सकते हो। तो मुझे बुलाया जाए चाहे ना बुलाया जाए, मैं आके वो गाना गाने वाला हूँ, स्टेज पे देखिएगा आप सब। देखिए रहमतें की जैसे शान ने बताया कि खुशी की बात यह है कि अलग अलग कलाकार साथ में आ जाते हैं। अंकित अपना कितने अकेले शो करते होंगे, शान का तो हम जानते हैं कितनी बार टूर करते हैं अकेले ही, कैपेबल ऑफ यू नो परफॉर्मिंग फॉर 3-3.5 hours। बट हियर ऑल ऑफ देम कमिंग टुगेदर एट टाइम्स इज़ अ वेरी रेयर ट्रीट।
تو اس کا ایک مزہ آتا ہے. اور وہ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کوئی کاز اچھا ہو, کوئی چیریٹی کا ہو جس میں ان کا دل کرے آ کے گانے کا. تو آج وہی دن ہے سورب جی کے پروگرام میں, ہمیشہ بینیفیشری لوگ ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ کام بھی ہو جاتا ہے, سننے والوں کو الگ الگ اچھے اچھے کلاکار ایک ساتھ سننے کا موقع مل جاتا ہے. میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ انکت بھی میرا گانا گا رہے ہیں شان کے ساتھ, تو مزہ آئے گا. میرے لیے بھی ایکسپیرئنس ہوگا کہ دونوں مل کے کیا کھچڑی پکتی ہے جو میں نے پکائی تھی.